इन दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका हम अपने YouTube चैनल GS Study Pro में। दोस्तों झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा इस वक्त झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित एक आवश्यक सूचना को जारी किया गया है। और दोस्तों झारखंड JSSC से रिलेटेड विज्ञापन संख्या JSSC JEE का विज्ञापन संख्या 6/2021 एवं 2/2022 से रिलेटेड एडमिट कार्ड डाउनलोड करने संबंधी सूचना बताया गया है। यह एक बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों, क्योंकि जितने भी JDLCC का एग्जामिनेशन देने वाले कैंडिडेट थे यानी झारखंड JEE का जो भी हुए थे, सभी के मन में यह शंका थी कि एग्जामिनेशन 23 तारीख से लेकर के 10 तारीख के मध्य में, जैसा कि JSSC ने अपने नोटिफिकेशन के माध्यम से जारी किया था, ठीक है, होगा कि नहीं होगा, इससे रिलेटेड तमाम कंफ्यूजन था। और उस कंफ्यूजन को दूर करते हुए JSSC ने इस नोटिस के द्वारा यह बताया है कि जिन्होंने 30/9/2022 और 11/10/2022 के जो नोटिफिकेशन निकला था, उस नोटिस के आलोक में जिन्होंने फोटो एवं हस्ताक्षर को दोबारा अपलोड किया था, उन्हीं को प्रवेश पत्र डाउनलोड होगा। और उसके लिए उनको 18 अक्टूबर 2022 से 22 अक्टूबर 2022 के तहत 6 बजे शाम तक, यानी 22 तारीख के शाम 6 बजे तक आयोग के अधिकृत वेबसाइट देख लीजिए jssc.nic.in पर उपलब्ध रहेगा लिंक, और उस लिंक के थ्रू जाकर के आप अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर OTP आएगा, और उस पर OTP आने के बाद ही आप लॉगिन कर पाएंगे और अपना प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे, ऐसा इस आवश्यक सूचना में बताया गया है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 23 तारीख से लेकर के, यानी 23/10/2022 से लेकर के 10/11/2022 के मध्य में CBT मोड पर इस एग्ज़ामिनेशन का परीक्षा अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर अलग अलग पालियों में कराया जाएगा। और पूर्व में भी यह एग्ज़ाम जो है वो कराया जा चुका था आपका OMR बेस्ड पर, लेकिन कुछ जालसाजी और कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स के वजह से उस एग्जामिनेशन को रद्द करते हुए पुनः CBT मोड पर कराए जाने संबंधी आवश्यक सूचना जो है JSSC ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से प्रसारित किया था। और उसी से रिलेटेड फिर से यह आपको एग्ज़ाम कराया जाएगा, और इस एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर हो जाएं, क्योंकि अब बहुत ही कम समय बचा है। और किस कैंडिडेट को किस डेट में एग्ज़ाम मिलेगा, ठीक है, यानी कि इस टेन्यूर में जो भी टेन्यूर है आपका 23 तारीख से लेकर के 10 तारीख के बीच में आपका कौन टेन्यूर में एग्जामिनेशन होगा, आप ज़रूर से 18 तारीख को सर्वप्रथम अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि 23 तारीख से ही एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका होम सिटी में नहीं होगा एग्जामिनेशन, चुनिंदा जिलों में ही होने वाले हैं, जैसे कि रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर, बोकारो, ठीक है, राइट, इन सभी जिलों में ही होने वाले हैं, बड़े जिलों में, तो जिनका घर दूर है उनके लिए तो दिक्कत है। इसीलिए सबसे पहले 18/10 को ही आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे। आपको JSSC से रिलेटेड सारे अपडेट इस चैनल पर मिलते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर कर दीजिए जिनको इस नोटिफिकेशन की ज़रूरत हो, ठीक, राइट दोस्तों, मिलते हैं फिर से आपके साथ इसी तरह अपडेट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।